स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव। मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में फ्रेंड्स। आज तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। दूसरा जो मामला है वो वहां पे खराबी हो रही है पैदा और वो खराबी और आज देखिए शैला के नौजवान हिंदू लड़के युवा जय श्री राम का नारा बांग्लादेश के रोड पर लगा रहे हैं। हसीना की पार्टी के कार्यकर्ता भी अपनी ताकत दिखाने के लिए सड़कों पर आ गए हैं। संघर्ष में सेना के कई जवान घायल हुए हैं। इसने पूरी दुनिया पर साबित कर दिया है कि अगर अज़्म और हिम्मत और हौसले हों तो बड़ी से बड़ी रुकावट भी आपकी कामयाबी के सामने छोटी पड़ जाती है। लेकिन अब हिंदुओं ने अत्याचार के खिलाफ यलगार बोल दिया है। बांग्लादेश के अलग अलग शहरों से तस्वीरें आ रही हैं। शहर शहर हिंदू आबादी अब सड़कों पर आ गई है। तो बांग्लादेश में जो हिंदू रहते हैं उन लोगों ने भी ये फैसला कर लिया कि अब जो है डर के बैठना या भागना ये जो है सोल्यूशन नहीं है इस मसले का। लेकिन बंगाल का हिंदू तो अपने आप को आज भी भारतीय मानता है। The latest being Bollywood actor Preeti Zinta, who has taken to the social media platform and raised concerns over attacks on Hindus in Bangladesh. Karachi ke andar kisi ne kabar se nikal ke 55 saala aurat ke saath zyadti ki. Karachi ke andar. Ye abhi ki baat hai Tar sahab. Abhi ki baat hai, matlab aaj ki baat hai. Dan ya BBC ne iske upar report di. Ek saath ek hi awaaz mein Bangladesh ke andar ghus jayenge aur fir hum usko Hind desh to kya? हम उसको पूरा का पूरा ही हिंद देश बना देंगे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों सरकार अवाम अधिकारी जज और अब सेना, बांग्लादेश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। कई दिनों से जारी हिंसा अब बेकाबू हो गई है। इसी बीच सेना के जवानों पर हमले शुरू हो गए हैं। सेना की गाड़ी पर यह हमला गोपालगंज इलाके में हुआ। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार इस घटना में सेना के जवानों पत्रकारों और स्थानीय लोगों सहित 15 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में 2 को गोली लगी है। ये घटना शनिवार शाम करीब 4 बजे तब हुई जब अवामी लीग के हजारों कार्यकर्ता शेख हसीना की वापसी की मांग करते हुए सड़क पर थे। रिपोर्ट्स के अनुसार हजारों की संख्या में अवामी लीग के नेता कार्यकर्ता और स्थानीय लोग पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की देश में वापसी की मांग कर रहे थे। उन्होंने ढाका खुलना राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया था। इसी बीच सेना की गाड़ी वहां पहुंची और उन्होंने प्रदर्शनकारियों से सड़क को खोलने और प्रदर्शन को खत्म करने की अपील की, लेकिन भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। भीड़ ने सेना पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। बांग्लादेश में क्या कुछ हुआ है और किस तरह से गवर्नमेंट हटी है या रेजिग्नेशन दिया है वहां की प्राइम मिनिस्टर ने जो थी शेख हसीना, लेकिन उसके बाद हिंदू जो वहां पर रहते हैं, हिंदू कम्युनिटी जो वहां पर बांग्लादेश में है, उन पे मुसलसल अटैक चल रहा है जिसके लिए पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। मैंने आज भी देखा कि सोशल मीडिया पर जो है वो चाहे कनाडा हो चाहे अमेरिका हो या कोई और कंट्री हो, हर जगह पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बांग्लादेश में जो हिंदूज रहते हैं उनके ऊपर मुसलसल अटैक चल रहा है। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब आप, ये क्या हो रहा है और इस तरह से क्यों किया जा रहा है? मतलब क्यों हिंदू को टारगेट किस लिए किया जा रहा है बांग्लादेश में? तो आज ही शेख हसीना जी का स्टेटमेंट आया, जस्ट मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिक टाइम्स में छपा है। तो उन्होंने कहा कि मैं बांग्लादेश लौटूंगी जल्दी ही। बांग्लादेश में वहां के चीफ जस्टिस साहब को उबैदुर करके समथिंग है, उन साहब को फोर्स करके रेजिग्नेशन देके हटवा दिया। बांग्लादेश में आज की डेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो चुकी है। आप ये नहीं डिक्टेट कर सकते कि किसको चीफ जस्टिस बनाओ, किसको प्राइम मिनिस्टर बनाओ, किसकी गवर्नमेंट बनाओ, एटलीस्ट इस तरीके से नहीं कर सकते। इसी तरीके के लिए कि आपकी मर्जी का यानी जनता की मर्जी का चीफ मिनिस्टर बने, चीफ जस्टिस बने और प्राइम मिनिस्टर बने, इसी के लिए इलेक्शन करवाया जाता है। आप रुक जाते 2-3 साल और उसके बाद इलेक्शन में जाके सारा गुस्सा निकाल देते, भंडा फोड़ हो जाता। पॉइंट ये कि ये जो किया गया इंजीनियर इसको क्या कहें, मैं कू तो कह नहीं सकता क्योंकि ये कू है नहीं, क्योंकि पहले तो आर्मी ने सपोर्ट ही किया था, क्या नाम है, शेख हसीना साहिबा का। तो ये एक रेडिकलिज्म जो बांग्लादेश में बढ़ रहा है और आज से नहीं बढ़ रहा,
वो पहले से बढ़ रहा है। ये जो आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए हिंदुओं को अटैक कर रहे, अटैक अभी ये बाहर आ गया, वरना 24% हिंदू घट के 7% कैसे हो गए बिना अटैक के? दैट बेग्स अ क्वेश्चन ना। हमारे यहाँ का मुसलमान पॉपुलेशन बढ़ गया, बांग्लादेश का मुसलमान पॉपुलेशन बढ़ गया, आपका मुसलमान पॉपुलेशन बढ़ गया, लेकिन हिंदू दोनों जगह पे, तीनों जगह पे, भारत में भी हिंदू कम हो गए, पाकिस्तान में भी हिंदू कम हो गए, बांग्लादेश में भी हिंदू कम हो गए, क्यों? और उसके बाद हमारे यहाँ पे लोगों को बोलिए कि हिंदू डेंजर में है तो दे विल लॉफ इट ऑफ। पॉइंट है कि क्यों अटैक किया, ये सबको पता है क्यों अटैक किया। जमात इस्लामी ने कहा, शेख हसीना का गुस्सा क्या था? शेख हसीना साहब का यही गुस्सा था कि उनके पिताजी ने जिन रजाकारों से लड़ाई करी, आज आप रोड पे जमात इस्लामी के लोग मिलकर के कह रहे हैं कि तुम ही कौन, हम ही कौन, रजाकार रजाकार, ये कौन है रजाकार? इन्होंने बंगालियों को ही तो मारा था और हिंदुओं को मारा था बांग्लादेश के। आज अगर तो फिर पाकिस्तान के साथ ये जब जो हुआ वो तो बेसिकली आज पाकिस्तान और बांग्लादेश एक बन गए। अगर आप कह रहे हो कि हम ही कौन, तुम ही कौन, रजाकार रजाकार, तो फिर रजाकार तो पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ थे, तो बांग्लादेश का जो जो लोग, जिन लोगों ने अपनी जो वीरगति को प्राप्त हुए, जिन्होंने शहादत दी, उनका तो जीवन ही खत्म हो गया, उनका तो पर्पज ही खत्म हो गया, आपने सब जीरो कर दिया। और यही बात कि ये शेख हसीना के साथ क्या हुआ, ये बांग्लादेश में हमेशा से होता आया। मैं ये मानता हूं कि बांग्लादेश ज्यादा रेडिकल है वेस्ट पाकिस्तान से। बांग्लादेश की रेडिकलिज्म जो है वो दिखती इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों का एक सॉफ्ट कॉर्नर है जो उनके साथ 1971 में हुआ, और उनको ये अपनी ही रेडिकलिज्म के कारण फेस करना पड़ा था। मुझे याद है जब डायरेक्ट एक्शन डे का कॉल दिया गया था कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, जिस छात्र नेता ने डायरेक्ट एक्शन डे का सबसे बड़ा बीड़ा उठाया इंप्लीमेंट करने का, उनका नाम था मुजीबुर रहमान। और किस्मत देखिए, वही मुजीबुर रहमान 1971 में जिन लोगों के लिए उन्होंने भारत को तोड़ा, उन्होंने बंगालियों को तोड़ा, उसके बाद वो उनसे लड़े और उन्होंने बांग्लादेश का निर्माण किया, 3 साल के अंदर ही वाज शॉट डेड। 3 साल के अंदर आर्मी का टेक ओवर होता है, उनके घर में घुस के सिर्फ उनको नहीं मारा गया, पूरे परिवार को साफ कर दिया गया। मानसिकता सोचिए, जिन लोगों ने ये काम किया था उनकी मानसिकता ये है कि आप जो है बीज ही मत छोड़ो, पूरा जिसे कहते हैं पैट्रिसाइड, पूरा एकदम खत्म ही कर दो, जनरेशन ही खत्म कर दो पूरे, हाँ पूरी जड़ ही खत्म कर दो। शेख हसीना, मुजीबुर रहमान का पूरा परिवार खत्म हो गया, पर उनकी किस्मत खराब थी कि शेख हसीना और उनकी बहन बाहर थी जर्मनी में, तो बच गई। और हुआ क्या, इसीलिए मैं कहता हूं कि जो जो जालसाजी करता है, जो कॉन्स्पिरेसी करता है ना, उसकी उम्र बहुत छोटी होती है। वही जिससे मुजीबुर रहमान के लोगों को मार करके, परिवार के लोगों को मार करके, तुमने सोचा कि मैंने उनका वंश मिटा दिया और तुम सोच गए कि अब ये लोग कभी बंगाल की सत्ता में वापस नहीं आएंगे। किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि शेख हसीना आज से कम 20-25 साल वो बंगाल पे हुकूमत कर चुकी है, कुछ कर चुकी है। अगर टोटल 50 साल के बंगाल की लाइफ है तो उसमें 15 साल तो अभी हो गए, 12-15 साल, और उसके पहले भी बीच में वो एक दो टर्म रह चुकी है। तो आपके चाहने से नहीं होता कि शेख मुजीबुर रहमान के पूरी बीज को, नस्ल को खत्म कर देंगे तो फिर इनसे हमें छुटकारा मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहां तक देखने के लिए। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के माध्यम से आप कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में दोस्तों आपके साथ। टिल देन, जय हिंद जय भारत।